वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके फ्यूचर में या ऑप्शन में, तो आपका लॉकडाउन में डेली रूटीन क्या फॉलो करने वाले हैं। देखिए पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आप पूरी तरह फोकस करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात तक बाजार बंद होने तक स्क्रीन को घूरते रहें, वो बिल्कुल भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर का, एक अच्छे ट्रेडर का तरीका नहीं होता। एक अच्छा ट्रेडर सही समय पे जाके सही काम करता है और निकल जाता है। खदान में, खदान किसको कहते हैं, जहाँ पे प्रॉफिटेबली ज़्यादा मेटल निकले उसको खदान बोलते हैं। ऐसी हमने ऐसे टाइमिंग चुन रखे हैं जहाँ पे एकदम से बड़े मूवमेंट आते हैं, तो आप वहीं पे अपना काम करके बाहर निकले तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में हम जो टाइम डिसाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं उसी वक्त मूवमेंट होते हैं। जहाँ ज़्यादा संभावना है वहाँ पे तैयार रहो ना। तो बात हो रही है कि अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी कैसे, कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, समझो 20,000 ही है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट खरीदेंगे। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट को राइट करने पर ध्यान देंगे, उनको शॉर्ट सेल करने पर ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है कॉल पुट आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाले लगते हैं और आपको फ्यूचर में बहुत तेज़ी से एग्जिट करना आता है और आप ध्यान रख सकते हो, तो फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम करोगे। और किस किस टाइम काम करोगे वो सारा हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के लिंक अपने जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं उनके साथ आप कर लीजिए। और जब भी आपने सब्सक्रिप्शन को हमारे प्रमोट करने की कोशिश की तो हमको ज़रूर बताइए कि आपने कितने सब्सक्राइबर्स को हमारे लिए मोटिवेट किया है, तो हम अपनी तरफ से आपको कोई बेनिफिट नॉलेज में ही देते हैं, ऐसा कोई बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। हम थैंकफुल हैं आप सभी लोगों की, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है ना, और तो कोई तरीका नहीं था। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए काम करते हुए। अब बात हो रही है, वहाँ पे एक अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वो अकाउंट ओपन कर लीजिए। और हमारा जो फ्री सपोर्ट ग्रुप है जो लाइव मार्केट में आपको कोई भी आत्महत्या जैसा कदम उठाने से रोकता है और आपको सही दिशा में, जब दिमाग काम नहीं करता उस वक्त वो जरा सा मैसेज आपको बहुत क्लैरिटी देता है। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमने जो बोला है आप वो करो, हम जो कर रहे हैं आप वो करो, लेकिन आप निफ्टी को शॉर्ट करने जा रहे थे और ऐसे में हम बता रहे हैं कि हमने अभी निफ्टी को बाय किया है, तो कम से कम शॉर्ट करने से तो रुक जाएंगे ना। मतलब आपको फायदा न हो कम हो चलेगा, हमारा काम है बड़े नुकसान को रोकना। जो आदमी बड़े नुकसान को रोकता है वो इस मार्केट में कभी फेल नहीं होता। भले आप धीरे पहुंचो, आपने देखा हो ना रोड पे लिखा हुआ दुर्घटना से देर भली, बस एक्सीडेंट नहीं हो, आप जिंदा हैं तो पहुंचेंगे जरूर, देर से पहुंच जाओ चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर या ऑप्शन में कारोबार करते हैं। तो सबसे पहले तो रात को जब आपको टाइम मिले, फैमिली से एक 15-20 मिनट चुराया आपने, टीवी देख रहे हैं तो बीच में ब्रेक्स आते हैं, अगर आपको याद रहा तो आप एक 5-5 मिनट में ये ख्याल देख सकते हो कि US का मार्केट नास्डेक और डाउ कैसा है, प्लस है माइनस है। अब साथ में आपने निफ्टी का पिछले 5 दिन का चार्ट देख लिया, गूगल चार्ट खुल जाता है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया, वहाँ नहीं मिल रहा है तो मनी कंट्रोल पे देख लीजिए, in.investing.com पे देख लीजिए, in.investing.com पे आपको टेक्निकल समरी भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे 5 मिनट 30 मिनट देखते हो तो इंट्राडे की बात हो रही है कि इमिडिएटली क्या होने वाला है, अगर आप 5 आवर वन डे देख रहे हो तो वहाँ पे मीडियम टर्म की बात हो रही है। तो हम लंबे समय में उसका सेंटिमेंट कैसा है और इमीडिएट कैसा है उस हिसाब से अपने दिमाग में खाका बना के रख सकते हैं। बस वहाँ देखा और आके आँख मूंद के खरीद लिया, वहाँ देखा और आके आँख मूंद के बेच दिया, ऐसे तो बाजार में काम चलेगा ही नहीं। आपको बस अवेयर होना चाहिए कि जब भी मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों पर अपनी एक नज़र डाल ली है, ताकि मैं उल्टा निर्णय तो नहीं लूँगा। अगर मैंने निफ्टी खरीद ली थी फ्यूचर में तो उसके साथ मैंने पुट भी खरीदा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ। अगर मैंने निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल कर दिया था, बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल कर लिया था, तो मैंने कहीं कॉल भी खरीद के रखे थे क्योंकि मुझे लगता था मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ा झटका नहीं खाऊंगा, मुझे नुकसान होगा, मुझे सजा मिलेगी गलत डिसीजन की। बाजार ऐसे ही सिखाता है आपको,
अब क्या होगा, 8:50 पे सुबह उठे आप अच्छा हल्का फुल्का खाइए, टहलिए, जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना दिमाग काम करेगा, थोड़ा मेडिटेट कर ले 10-15 मिनट, अच्छा म्यूजिक सुन ले तो भी बहुत है। 8:50 पे आप आते हैं, 9:00 से 9:15 तक आपको दिखता है कि प्री ओपन मार्केट शुरू हो गया और SGX निफ्टी तो उसके पहले ही दिख जाती है, तो SGX निफ्टी को देख के पता लग जाएगा कि हमारी निफ्टी गैप अप या गैप डाउन कैसे खुल रही है। उसके बाद आपके दिमाग में जो भी ख्याल आता है कि एकदम गैप अप खुले तो एकदम से खरीदना नहीं, गैप डाउन खुले तो एकदम से बेचना नहीं, तसल्ली। अब हैवी वेट स्टॉक्स के बारे में पता लग रहा है आपको, थोड़ा एडवांस डिक्लाइन भी नज़र आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से बाजार कैसा है ये समझ में भी आ रहा है, तो आप वहाँ पे सोच रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 9:15 पे बाजार खुला, एकदम से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं एकदम से। आप 9:15 से 9:25 तक बाजार को देखते रहो, कॉल पुट की प्रीमियम और वॉल्यूम में बहुत गैप हो सकती है, बीडो रास्क में वॉल्यूम रेगुलर नहीं है, गलतियां हो सकती है। अगर कोई दुस्साहसी ट्रेडर्स हो जिनको लगता है कि ये ट्रेडर मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे, ओपन हाई ओपन लो स्ट्रेटेजी का। कॉल पुट में आप देख रहे हैं, निफ्टी की कॉल पुट में, बैंक निफ्टी की कॉल पुट में, मार्केट वॉच में आपको नजर आ रहा है ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई एक्यूरेटली सेम दिखे, तो शॉर्ट सेल करने के लिए, राइट करने के लिए, अगर आपके पास कैपिटल हो तो लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दो बैंक निफ्टी के उस कॉल में या पुट में जिनका ओपन हाई बिल्कुल सेम हो। ध्यान से फिर से सुनना इस वीडियो को चला के, लापरवाही नहीं चलेगी। फिर अगर ओपन लो सेम हो, वो LTP हाई के करीब हो, तो हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा देना, क्योंकि खरीदने के लिए सबसे अच्छा है। ये बात हो गई कॉल पुट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां पे आपके पास कैपिटल कम है तो कॉल और पुट को बाइंग की बात करेंगे, कैपिटल ज्यादा है तो ऑप्शन राइटिंग की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में कंपेरेटिवली ज्यादा बार ज्यादा पैसा मिलता है आपको। अब बात आ रही है कि निफ्टी के फ्यूचर में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में क्या करें, तो बैंक निफ्टी में आपको बार बार काम नहीं करना है, निफ्टी में काम करें तो कंपेरेटिवली सेफ है, क्योंकि वो सारे सेक्टर का कॉम्बिनेशन है, उसमें रिस्क और रिटर्न बैलेंस होता है। बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, इसमें स्टॉप लॉस भी कभी अंदर ही अंदर चले जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता। तो हम तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं निफ्टी में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, इसको कम कर सको 7 पॉइंट 6 पॉइंट 7 और 6 पॉइंट ओके हैंडल कर सको, अच्छी बात है। इधर 30 से 25 पॉइंट हो सके चलेगा। अब 9:28 पे और 9:54 पे सुबह आप कैलेंडर स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब, जब आपको ऐसा लगे कि पिछले 3 दिन से बाजार गिरते गिरते बहुत नीचे आ गया या पिछले 3 दिन से बहुत ऊपर चला गया, तो अभी एकदम से मूवमेंट आ जाएगा। तो 9:28 पे हमने इस मंथ की निफ्टी को फ्यूचर को बाय किया, अप्रैल को बाय किया, और नेक्स्ट मंथ का मई का फ्यूचर सेल किया, तत्काल स्टॉप लॉस लगाए 7 और 8 पॉइंट, 8 पॉइंट मतलब 600 रुपये इधर जा सकते हैं, 75 का लॉट साइज है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 600 रुपये इधर जा सकते हैं। एकदम से मूवमेंट आया 30-40 पॉइंट का, तो क्या होगा, एक तरफ 8 पॉइंट चले गए और 20-22 पॉइंट आपको बच गए हैं, वो पूरे पूरे तो नहीं ले पाओगे आप सोचोगे निकलोगे तब तक 15 पॉइंट ही बच जाएंगे, काफ़ी है, 1100-1100 रुपये आप कमा के बाहर हो गए हैं। 9:28, 9:30 और 9:53 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 9:30 पे 9:55 पे एकदम से मूवमेंट आ सकते हैं, आते हैं, तो हम हेजिंग तो कभी भी कर सकते थे और कभी भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की संभावना क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, तो ये आप करने वाले हैं। अब एक बार का ट्रेड कर लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, गिनती का एक ट्रेड हो दिन में या 2 ट्रेड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दोनों तरफ के ऐसे लिट हो जाए, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिए, आप सोते तो नहीं हैं, एक तरफ का ऐसे लिट होगा फिर वो वापस बराबरी में आके दूसरी तरफ का ऐसे लिट करे, इसमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं नॉर्मली, किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी दिन में कभी ये हो भी सकता है, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया वाली स्थिति, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होगा, इसीलिए तो हेजिंग कर रहे हैं कि एक तरफ 8 पॉइंट गए तब उसी वक्त सामने 7 या 6 या 8 पॉइंट 9 पॉइंट मिल रहे थे, तो बराबरी में बाहर निकल गए, ब्रोकरेज टैक्सेस वो लग गए अभी हमारे जेब से, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ ना। तो इसमें जब लगातार आप ये काम करते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे सर हम 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा 9:28, 9:53 रेगुलर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते रहिए और पूरे 20 दिन का रिकॉर्ड रखिए सामने।
एक भी दिन गैप मत करना, क्योंकि 3 दिन तक अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला या फिर आपका ब्रोकरेज टैक्स लग गया, फिर आपके 300-400 रुपए चले गए रोज के, तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं बेकार है, ऐसे तो मेरे सब पैसे चले जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? पेपर पे भले ही प्रैक्टिस करो, लेकिन पूरा 20 दिन का रिकॉर्ड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर 5 दिन बाद एक इतना बड़ा मूवमेंट आएगा कि आपने जितना भी स्टॉप लॉस और ब्रोकरेज टैक्सेस में खोया उसका 2 से 3 गुना पैसा आपको मिलने वाला है। महीने का जो आपको रिटर्न चाहिए 15-20% वो आपको मिलने ही मिलने वाला है। अब 10:30-11 बजे तक आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, आप बाजार से दूर हो जाएंगे, आप अपना जाके लंच करें, काम करें, जो भी आपको करना है। 1 बजे वापस आएंगे और मिड डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाएंगे, हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो नोट करके रखा, उधर ऑर्डर लगा के रख दिया, ऊपर बाइंग नीचे सेलिंग, और जैसे ही वो ट्रेड एक्टिवेट होता है प्रॉफिट बुक करके सीधा बाहर निकलना है। पर फ्यूचर के आपके पास ना तो कैपिटल है ना उतनी हिम्मत है आपकी कि इतना बड़ा नुकसान फायदा झेल सके, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। कैपिटल कम है तो जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट आपने लगा रखे हैं, जैसे ही आपको पता लगे कि निफ्टी पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रही है तो उसका कॉल खरीदेंगे। निफ्टी में अगर उसने दिन का रेंज नीचे तोड़ा, नेगेटिव ब्रेकआउट दिखाया, तो आप पुट खरीदेंगे और उसमें डिफेंसिव बाइंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 80 रुपए का था तो आपने 75 की बाइंग लगा दी और साथ में हाई पे भी बाइंग लगा के रख दी। खैर ये डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में समझाया है कि हम दोनों तरफ से कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कैपिटल कितनी है और उसमें हर दिन का 1% प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे मिनिमम कितना चाहिए। अब वो एक धीरे धीरे 1.5, 2, 2.5, 3% तक भी बन जाएगा, मतलब साल के 700% की भी तैयारी है। लेकिन इस एक दिन के 2-3% के प्रॉफिट को की कदर करनी होगी आपको। अगर ये नहीं समझे तो फिर गड़बड़ होगी। महीने में 2 बार आपको हो सकता है आपकी कैपिटल पे कम से कम 5-5, 10-10% का भी प्रॉफिट मिलने वाला है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए किसी ने नहीं पूछा, एकदम से मूवमेंट आएगा और आपको 50-50% भी कॉल पुट में पैसा मिलने वाला है। ये भी होने वाला है। किसको मिलेगा? जो रेगुलर कर रहे हैं। अब बात आती है 2:30 बजे तक आप इधर 128 और 228 पे, फिर या तो निफ्टी के फ्यूचर में या बैंक निफ्टी के फ्यूचर में कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे, इस मंथ की बाइंग, नेक्स्ट मंथ की सेलिंग, स्टॉप लॉस 8 पॉइंट्स का, दोनों टाइम आपको करना है। एक टाइम मूवमेंट बड़ा आ गया तो दूसरे टाइम मत करो। 128 पे मूवमेंट बड़ा आ गया तो 228 पे जरूरत नहीं है। 128 पे मूवमेंट नहीं आया, बराबरी में बाहर निकले या थोड़ा सा लॉस देके बाहर निकले, तो 228 पे जरूर करना है मूवमेंट, ठीक है? और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप बैंक निफ्टी की कॉल पुट में और निफ्टी की कॉल पुट में ये काम करेंगे। रेगुलरली निफ्टी के कॉल पुट में तो करना ही है। बैंक निफ्टी जिस दिन भी आपको ऐसे दिखती है कि 1% से ज्यादा प्लस या माइनस है तो उसमें काम करो। बैंक निफ्टी के कॉल या पुट में स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का रहेगा और आपको बहुत तेजी से निकलना होगा, क्योंकि एक पल आता है, एक मिनट के लिए पल आता है जब आपको दिख रहा है कि आपको 800 रुपए मिल रहे हैं और उसमें आप सोचते हैं चलो देखता हूं, तो 2 मिनट में वो प्रॉफिट 400 रह जाता है, फिर 200 रह जाता है, फिर चला जाता है। तो दिमाग में जब तक ये क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्या चाहिए, तो 1 मिनट में स्क्वायर अप करके बाहर निकलेंगे। 800 दिख रहा था, निकलते निकलते 650 ही हाथ में रहे, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी ये दिखेगा कि 800 दिख रहा था, 950 हाथ में आया। तो बढ़ते बढ़ते में बेचना सीखो, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों ये था रूटीन। अब इसके बाद BTST बाजार बंद होते होते 3:25 पे आपने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी किधर जा रहे हैं, उनका टेक्निकल समरी में देखा 5-15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय क्या आ रहा है, और वहां पे आप फिर ये तय कर सकते हो कि मैं निफ्टी का या बैंक निफ्टी का पुट बड़ा खरीदूं, कॉल छोटा ले जाऊं, या स्प्रेड बना लूं, या फिर कॉल बड़ा खरीदूं पुट छोटा ले जाऊं। क्योंकि मजबूत बंद हो रहा है तो कॉल लेके जाएंगे और साथ में अगला कॉल शॉर्ट कर देंगे, स्प्रेड भी हो सकता है। तो आप हमारे ऑप्शन कोर्सेज में ये सारी चीज़ें समझते हैं कि कब दोनों को खरीद के कॉम्बिनेशन बनाना है, कब दोनों को बेच के कॉम्बिनेशन बनाना है, कब एक कॉल खरीद के दूसरा कॉल शॉर्ट करना है मतलब स्प्रेड बनाना है, कब बटरफ्लाई बनाना है, कॉल पुट की बैलेंसिंग कैसे करनी है, ट्रेड गलत हो जाए उसको रिपेयर कैसे करना है, निफ्टी में कब काम करूं, बैंक निफ्टी में कब काम करूं, स्टॉक ऑप्शन में कब काम करूं। तो निफ्टी का स्पेशल कोर्स और बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स इस चीज़ के लिए है, क्योंकि जो लोग बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते, वो सिर्फ निफ्टी में काम करें एक नाम, सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करें एक नाम, बस उसका ही चार्ट देखना है, उसी पे ध्यान देना है।
तो काम आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए और जो फ्री सपोर्ट ग्रुप है हमारा उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपके जितने भी नियर्स एंड डियर्स है आप उन तक ये फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों जितना सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या तो उधर टाइप करके जवाब मिलेगा नहीं तो हम वीडियो में आपका नाम लेके आपके कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।